हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा कि नागिन 3 के खत्म होने के साथ ही कौन बनेगी अगले सीजन की नई नागिन, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। लेकिन इसके साथ ही शो के नागराज को लेकर भी अब सवालों का नया सिलसिला शुरू हो चला है। जी हाँ, क्योंकि नागिन के फैंस ने देखा ही है कि शो के हर सीजन में नागराज का अहम रोल होता है। पहले सीजन में जहां अर्जुन बिजलानी शो के लीड एक्टर बने थे, तो वहीं दूसरे सीजन में ऑडियंस ने करणवीर बोरा को नागराज के रूप में देखा। बात करें अगर तीसरे फ्रेंचाइजी की, तो इसमें एक्टर रजत टोकस को नागराज के रोल में खूब पसंद किया गया। हालांकि फैंस उम्मीद कर रहे थे कि इस सीजन में माहिर भी नागराज बनकर सामने आएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। देखा भी गया है कि नागिन के तीनों पार्ट्स में एकता कपूर ने नए एक्टर्स को ही शामिल किया है। ऐसे में अब बात अगर आती है नागिन 4 की, तो इस नए शो में एकता किस नए एक्टर को नागराज बनने का मौका दे सकती हैं, इसको लेकर चर्चाएं हैं। तो अब नई नागिन के अलावा कौन हो सकता है एकता का नया नागराज, आइए इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, ऋत्विक खंजानी। इस लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे टीवी एक्टर ऋत्विक खंजानी की। ऋत्विक एकता कपूर के फेवरेट्स में शामिल हैं। अब ये तो आप जानते ही हैं कि ऋत्विक के पास कोई टेलीविजन शो नहीं है, हालांकि वो टीवी होस्टिंग का काम जरूर करते हैं और इसके अलावा वेब सीरीज में भी एक्टिव हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि नागिन 4 में ऋत्विक को एकदम नए अवतार में पेश करके एकता सबको चौंका दे। नंबर 2, करण वाही। अगर आपको याद हो तो जब कसौटी में मिस्टर बजाज को लेकर चर्चाएं तेज हो रही थी, तो उस वक्त करण वाही का नाम भी खूब फ्लोट हुआ, मगर ऐसा हो नहीं सका। कहा गया कि करण किसी वजह से ये शो नहीं कर पाएंगे, तो अब ऐसे में इस बात के चांसेस भी डबल हो गए हैं कि हो सकता है नागिन 4 को दिमाग में रखते हुए ही एकता ने कसौटी से करण का पत्ता काटा हो और अब नागिन के अगले सीजन में करण हमें नए नागराज बने दिख जाए। नंबर 3, नकुल मेहता। टीवी एक्टर नकुल मेहता की गिनती भी टीवी के पॉपुलर स्टार्स में होती है। मिस्टर बजाज के रोल के लिए भी नकुल के नाम की चर्चा हो चुकी है। अब क्योंकि नकुल का एक अच्छा खासा फैन बेस है, तो हो सकता है कि ये बात ध्यान में रखें एकता कपूर और अगले सीजन में नकुल को शो का मेन लीड नागराज बना दें, तो हैरानी नहीं होगी। तो अब देखते हैं कि इनमें से नागिन 4 के नागराज को लेकर एकता की तलाश किस पर जाकर रुकेगी। हालांकि ये भी हो सकता है कि नए सीजन में किसी बिल्कुल नए एक्टर को ही एकता कपूर मौका दे दें। वैसे आपको क्या लगता है, क्या आपके मुताबिक इनमें से किसी को नागराज बना सकती हैं एकता कपूर? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।